नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। कोविड 19 से जंग में जहां डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी कर्मवीर योद्धा बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तथा लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस कर्मी भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए अगर हम इन्हें भी कोरोना योद्धा कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि लगातार मरीजों को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहर ललितपुर की, जहाँ 102 और 108 कुल मिलाकर 10 एम्बुलेंस गाड़ियाँ हैं जो निरंतर मरीजों की सेवा में लगी हुई हैं। गाड़ियों के माध्यम से लगातार मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाना और अस्पताल से घर तक लाने ले जाने का काम बखूबी किया जा रहा है। साथ ही साथ कोविड 19 में भी यह गाड़ियां अपना भरपूर योगदान दे रही हैं, चाहे किसी कोरोना संदिग्ध की स्क्रीनिंग का काम हो या फिर किसी को क्वारंटाइन कराना हो। सभी कार्यों में एम्बुलेंस में काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर कोरोना काल में सरकार का और समाज का भरपूर सहयोग कर रही हैं। नवोदय प्लस टाइम्स ऐसे कर्मवीर योद्धाओं को सैल्यूट करता है। आइए मिलवाते हैं आपको नवोदय प्लस टाइम्स पर एम्बुलेंस गाड़ियों के और एम्बुलेंस चालकों के हेड एक ऐसे कर्मवीर योद्धा से, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार जनपद ललितपुर में एम्बुलेंस गाड़ियां सामान्य तौर पर और कोरोना काल में अपना कार्य कर रही है। चल रही है 24 घंटे, आपके पायलट काम कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे सर? इस विश्वव्यापी महामारी में डॉक्टर्स, पुलिस और एम्बुलेंस का स्टाफ जिस तत्परता से काम कर रहा है, उसी में पूरा सहयोग देते हुए ललितपुर का स्टाफ भी काम कर रहा है। ललितपुर जिले में 108, 102 की गाड़ियां कोविड में लगी हुई हैं, टोटल 10 गाड़ियां हैं। सीएमओ साहब और माननीय डीएम साहब का जैसे आदेश होता है, उस हिसाब से पूरी कार्रवाई की जा रही है। जिस भी एरिया का कोई भी पेशेंट या सस्पेक्ट आता है या रागी के बारे में बात की जाती है, वहाँ से लाके उनको चेकअप करवा के क्वारंटीन करना है कि होम क्वारंटीन करना है, उन्हें किया जा रहा है। अगर क्वारंटीन सेंटर में किसी की तबीयत भी खराब होती है तो भी उनका इलाज करवाने के लिए भेजा जाता है। इसके साथ ही साथ जो डेली सैम्पलिंग होती है उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में पहुँचाना, वो भी हमारी गाड़ी कर रही है, और स्टाफ हमारा पूरी तत्परता से अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।